हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नियॉम ट्रेडर्स कैथल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं ब्लशर्स का। तो मेरे पास 3 टाइप के ब्लशर्स हैं। एक मेरे पास है लिक्विड ब्लशर, एक मेरे पास है क्रीमी स्टिक वाले ब्लशर, एक है पाउडर ब्लशर। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास मालियाओ के हैं, L18 के ब्लशर हैं, और लैक्मे और फेसिस कैनेडा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ लिक्विड से, और ये शेड नंबर है 02 रोज पिंक। वैसे तो ये पंप में आता है, इसे हम ऐसे ओपन करेंगे, बट अभी मेरे को थोड़ी सी ही क्वांटिटी चाहिए, तो मैं इसीलिए इसको ऐसे ले रही हूँ, क्योंकि पंप से ना इसकी उतनी क्वांटिटी आती है जितनी हमें यूज करनी चाहिए अपने फेस पे। तो ये देखिए गाइस, कितना ही सुंदर सा पिंक सा शेड है ये देखो गाइस, कितना सुंदर पिंक का शेड है ये, और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, बिल्कुल सॉफ्ट है, एकदम वेलवेट इसका नेम ही है, जो ब्लशर का नेम है ना, वेलवेट लिक्विड ब्लशर है। बहुत ही ज़्यादा वेलवेट सा टच है इसका, बहुत ही सुंदर। फिर हमारे पास आ जाता है इसका शेड नंबर 3 म्यूटेड पीच। जिनको प्रॉपर पिंक भी नहीं चाहिए, प्रॉपर पीच नहीं चाहिए, न्यूट टाइप में चाहिए, वो ये वाला ब्लशर ले सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर है। ये वाला जो ब्लशर है ना, ये डीप कॉम्प्लेक्शन और फेयर कॉम्प्लेक्शन दोनों पे भी बहुत सूट करेगा। ये देखो गाइस, कितना सुंदर शेड है ये। ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ ऊपर से ओवर लगा रखा है, एकदम नेचुरल सा फिनिश आएगा इसका। बहुत ही सुंदर शेड है ये, और ये तो मैंने आपको बताया ही है कि कितना सॉफ्ट है ये स्किन के ऊपर। फिर हमारे पास आ जाता है रेड रोमांस। ये थोड़ा सा ऑरेंजिश सा शेड देगा, तो इसे भी हम अप्लाई करके चेक करते हैं। ये देखो गाइस, हर कस्टमर की, हर पर्सन की अपनी अपनी चॉइस होती है, तो सबको अपनी चॉइस का ही पसंद आता है, तो इसीलिए जो ब्रांड है वो ऑलमोस्ट सारे शेड ही निकालता है। ये देखो गाइस, ये वाला भी कितना सुंदर शेड है। ये भी डीप और मीडियम फेयर सब कॉम्प्लेक्शन पे जाएगा। तो इसे अब हम करते हैं रिमूव। ये देखो, रिमूव करने पे भी इसका कितना अच्छा टच रह जाता है। मैं मेकअप रिमूवर से रिमूव कर रही हूँ, अगर आप इसे नॉर्मल करोगे तो वैसे ये रिमूव नहीं होगा। अब क्या करूँ, मेरा हाथ ही छोटा सा है, मुझे रिमूव करके दोबारा दिखाना पड़ेगा आपको। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास न्यूड माइंस। न्यूड की तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो, ये आ गया हमारा न्यूड पिंक। ये प्रॉपर पिंक भी नहीं है और प्रॉपर पीच भी नहीं है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये वाला। ये वाला जो शेड है ना, ये फेयर कॉम्प्लेक्शन पे ज़्यादा अच्छे से खिल के आएगा। बहुत ही सुंदर शेड है ये भी। फिर हमारे पास आ जाता है शेड नंबर 5 बेरीलिशियस। ये थोड़ा सा वाइन टच में आएगा, मॉव शेड, वाइन भी नहीं, मॉव टाइप में आएगा ये। चलो इसे भी हम चेक कर लेते हैं स्वैच करके। ये भी बहुत ही सुंदर है शेड। ये सारे कॉम्प्लेक्शन पे जाएगा, तीनों कॉम्प्लेक्शन पे, फेयर मीडियम डार्क। देखो कितना अच्छा है, आपको मैं कैसे मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट अगर आपको देख के समझ आ रहा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा वेलवेट टच दे रहा है, बहुत ही अच्छा है। ये देखो गाइस, कितना अच्छा शेड है इसका भी। चलिए हम इसे भी हम करते हैं रिमूव। चलिए अब हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ये स्टिक वाले क्रीम ब्लशर्स। तो इसका शेड नंबर मैं आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ 05, और इसका कोई ऐसे एज सच नेम नहीं है, ये शेड के अकॉर्डिंग है, 05 नंबर शेड है ये। ये देखो गाइस, कितना सुंदर शेड है ये भी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सा मतलब ये देता है टेक्सचर। ये हाँ, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हर किसी को लिक्विड वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को क्रीमी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये वाला जो है ना, ये एज अ टिंट भी यूज़ कर सकते हो आप, ये आपके लिप्स पे, चीक्स पे और आइज सब पे यूज़ हो जाएगा। आ जाता है ये 04 नंबर, ये पीच शेड है। ये देखो कितना सुंदर शेड आ रहा है ये वाला भी। और मैं एक बार 05 भी दोबारा अप्लाई कर देती हूँ, जिससे कि आपको इजी रहे नोट करने में कि आपको कौन से वाला शेड चाहिए। 05 पहले है, फिर 04 है, अब हमारे पास आ जाता है शेड नंबर 03। ये भी पिंक का ही शेड है, बहुत ही सुंदर।
सबसे सुंदर अभी तक मुझे ये थर्ड नंबर वाला लगा है, बहुत ही प्यारा शेड है ये। फिर हमारे पास है शेड नंबर 2, ये है प्रॉपर हॉट पिंक शेड। वाओ कितना सुंदर शेड है। अभी तक मैंने आपको जो भी शेड्स दिखाया ना, ये तीनों कॉम्प्लेक्शन पे चलने वाले शेड्स हैं, मीडियम डार्क फेयर। अब हम आपको दिखाते हैं शेड नंबर 6। ये देखो गाइस कितना सुंदर शेड है, ये वाला ज़्यादातर फेयर कॉम्प्लेक्शन पे ही जाएगा। और अब हम दिखाते हैं आपको कौन सा शेड नंबर रह गया था हमारा, 1 नंबर। ये देखो गाइस कितना सुंदर है ये 1 नंबर शेड भी, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। इन यो ये वाला मैंने आपको दिखाया है कंटेनर, इसको हम लिप्स पे, चिक्स पे, आइस पे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक तरीके का टिंट है। चलिए गाइस इसका रिव्यू हो गया है हमारा, अब हम आ जाते हैं पाउडर वाले ब्लशर्स। ये लैक्मे की न्यू रेंज लॉन्च हुई है, इसका नेम है फेसिट ब्लश। अभी हमारे पास इसके एक दो शेड्स ही आए थे, ये 250 MRP में है। बहुत ही ज़्यादा स्मूद है ये भी, ये देखो कितना सुंदर और कितना पिगमेंटेड है। मैंने जस्ट राउंड करके एक बार अपनी फिंगर को यहाँ पे स्मज कर दिया है और बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा स्वैच आया इसका। फिर हमारे पास आ जाता है लैक्मे का, ये बहुत ही क्यूट लगता है मुझे ये वाला तो दिखने में। देखो कितना सुंदर सी पैकेजिंग में है ये लैक्मे 9 to 5 ब्लशर। इसका जो नेम है वो है प्योर रफ। ये देखो ये इसके साथ में ब्रश भी आता है। ये बहुत ही सुंदर बार्बी पिंक सा शेड है, बहुत ही सुंदर। ये देखो इसको भी मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा ना लाइट सा है इसलिए अभी आपको यहाँ पे शो नहीं होगा आई थिंक, बट बहुत ही सुंदर सा सटल सा आ रहा है। जिनको एकदम नो मेकअप लुक चाहिए होता है ना, उनके लिए ये वाला शेड बेस्ट है। फिर हमारे पास आ जाता है फेसिस कैनेडा का बैरी ब्लश, ये भी बहुत अच्छा है। ये 349 MRP में है, और जो लैक्मे वाला था उसका क्या MRP है उसका मैं अभी आपको चेक करके बताती हूँ MRP क्या है। फिर हमारे पास आ जाता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा स्मूद है, बहुत बहुत ज़्यादा स्मूद। ये मुझे लैक्मे वाले से भी ज़्यादा स्मूद लगा। इसका पीची सा पिंकी सा शेड आएगा ये, मैं आपको ये देखो मेरी फिंगर पे अगर आपको पता चल रहा हो कि कौन सा शेड मैंने अप्लाई किया है, बहुत ही सुंदर सा शेड है। आजकल ब्लश जो है ना वो पाउडर फॉर्म वाले थोड़े कम लोग मतलब यूज़ करने लगे हैं, उसका थोड़ा सा ना स्टे कम होता है, इसीलिए लोग आजकल लिक्विड और स्टिक वाले ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं L18 के जो है लिक्विड ब्लशर, इसके 3 शेड्स आते हैं। तो हम फर्स्ट नंबर शेड ट्राई करते हैं पहले, जो कि है कोरल। बहुत ही सटल, बहुत ही अच्छा सा है ये, और इसके अंदर ना साथ में ना ब्लशर के साथ साथ मतलब ग्लिटर भी है, तो ये आपको ब्लशर और हाइलाइटर दोनों का काम करेगा। बहुत ही ज़्यादा स्मूद है ये भी और अच्छा है ये। इसका नाम है ब्लश बॉम्ब। इसकी जो MRP है वो है 185 rupees। तो आप हमारी शॉप पे आओगे या ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो हम आपको MRP से लेस करके देंगे। उस चीज़ का आप देख सकते हैं हमसे कॉन्टैक्ट करके। फिर हमारे पास आइए सेकंड नंबर, जो कि है पिंक बार्बी पिंक शेड है ये, बहुत ही सुंदर। ये देखो कितना सुंदर सा पिंक है ये भी, बहुत ही प्यारा, और इसके साथ साथ इसके अंदर ग्लिटर भी है। फिर हमारे पास आ जाता है रेड, इसका हम रेड भी ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। ये आ गया हमारे पास रेड शेड, ये देखो गाइस ये इसका रेड शेड भी कितना सुंदर है। प्रॉपर रेड में नहीं आ रहा है ये, हम इसे ये कह सकते हैं कि ये पिंक का थोड़ा सा डार्क शेड है, लाइक रानी पिंक शेड या गाजरी शेड जो आपको समझ में आए इसको देख के। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये कौन से वाला रेड है। तो ये मैंने आपको दिखा दिए हैं सारे के सारे ब्लशर्स। अब ये आपकी चॉइस है आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी जो पर्सनल चॉइस है, मुझे क्रीम वाले, ये जो स्टिक वाले हैं ये इजी टू यूज लगते हैं, और ये थोड़ा सा मैं इतना मेकअप नहीं करती तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मुश्किल होगी इसको अप्लाई करने में। ये वाला बेस्ट लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छे हैं ये। बट हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, जिनको लिक्विड चाहिए वो लिक्विड ले सकते हैं, जिनको क्रीम वाले चाहिए वो क्रीम वाले ले सकते हैं। तो मैंने आपको ये दिखा दिए हैं, जो इनकी रेंज रहेगी इन्वेस्टर की 250 के अराउंड रहेगी इन्वेस्टर की। और देखो इतनी सी रेंज में आपको कितनी ज़्यादा क्वांटिटी भी मिल रही है इसकी, ये देखो
इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है, और ये तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है इसमें है जो ये वाले है, ये देखो ये तो सालों साल भी खत्म ना हो, क्योंकि लगते तो थोड़ा सा ही लगता है। और इसके बाद मेरे पास है रिव्यू करने के लिए ये हाइलाइटर, जो कि हम आपको कल दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमारी ये वाली वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, कहीं आप लोग इसे देखकर बोर ना हो जाए। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जैसे कि आज मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि ब्लशर का रिव्यू करो, तो मैंने सोचा कि ब्लशर का ही रिव्यू कर लिया जाए पहले। ऐसे ही अगर आप मुझे बताते रहोगे तो मैं उस अकॉर्डिंग अपने रिव्यूज देती रहूंगी आपको। थैंक यू सो मच गाइज़।